दोस्तों, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, अपने जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं यस और नो? तो क्या ये जो काम हम करेंगे, आप ही बता रहे काम अच्छा काम है बुरा काम है? लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को आयुर्वेद से रूबरू कराएंगे, लाइफ स्टाइल डिजीज से रूबरू कराएंगे, क्या खाना नहीं है क्या खाना है लोगों को बताएंगे, अच्छा स्वस्थ जीवन कैसे जीना है ये लोगों को समझाएंगे, और अगर कोई परेशान है, किसी की डायबिटीज है, घुटने का दर्द, कोई भी बीमारी है, उसको आयुर्वेद का प्रोडक्ट देके ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये समाज में काम कर कर हम दो पैसे कमाएंगे। मैं एक आवाज में पूछता हूँ, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? दोस्तों, यहाँ जिसने दो सीटर ली, एक सीटर ली, आठ सीटर ली, 80 सीटर ली, वैनिटी वैन बनाई, चाहे हेलीकॉप्टर लेके आएगा, दो नंबर का नहीं, एक नंबर का काम करके लेके आएगा, एक नंबर का काम। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर देख सकते हो कितने रिजल्ट हैं, कितने लोगों को फायदा होता है इन प्रोडक्टों से। आगे आपको कोई मैडम बता रही थी, ये काम है क्या? ये काम नहीं है, ये तो मिशन है, तो पूजा है। अरे, समाज के लोगों की बीमारी खत्म करना, समाज के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना, ये काम नहीं, ये देश सेवा है, ये देशभक्ति है। आज वो तुमने अभी रिजल्ट देखा, पैरालाइज, ये तो छोटे छोटे रिजल्ट है, बड़े बड़े रिजल्ट यूट्यूब पे मिलेंगे, बड़े बड़े रिजल्ट, लाखों करोड़ों रुपए में भी कोई 20 साल में बच्चा पैदा नहीं कर पाता। 20-20 साल की माएं और पिता जिनको औलाद का सुख नहीं था, ऐसे केस के 20,000 के प्रोडक्ट से औलाद का सुख मिलता है, ये दो नंबर का काम है क्या? ये गलत काम है? अगर ये गलत काम है तो मैं जीवन भर करूंगा, और जीवन भर लोगों को प्रेरणा दूंगा। एसरीपीएस वेलनेस यहां से नहीं चलती, यहां से चलती है। ये कंपनी लोगों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी, लोगों का यूज नहीं करती, आम जनता को बेवकूफ नहीं बनाती, झूठा नंबर के साथ काम नहीं करती, सच्चाई पे काम करती है, क्योंकि ये कंपनी एक और ये फौजी दुनिया में किसी से नहीं डरता, दुनिया में सिर्फ एक ही डर है, जिंदगी में भगवान कभी किसी का गलत ना होने देना मेरे हाथ से, एक ही डर है, मैं हमेशा भला करूं समाज का, देश का, लोगों का। आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मार्केट में नेगेटिव प्रसेप्शन, नेगेटिव प्रसेप्शन होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, 90% साले चोर हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में बात चल रही है, सरकार मिनिस्ट्री काम कर रही है। मुझे एक दिन मिलने का मौका मिला देश के सबसे बड़े अधिकारियों से, मैं खुद बोला, मेरा चोर है, हम 90% सारे चोर है, इनको उखाड़ फेंकेंगे। देश के सबसे बड़े अधिकारी से मीटिंग हुई मेरी, मैंने मेरी वेबसाइट खोल के दिखाई, है किसी माइकल लाल में हिम्मत मां का दूध पिया किसी ने, जो सलाह मिनिस्ट्री में जाकर वेबसाइट खोल के दिखाई? वेबसाइट खोल के दिखाई, मैडम चेक माई प्रोडक्ट, चेक माई प्रोडक्ट, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए क्या गलत कर रहा हूं मैं। मैंने कहा इस देश में सारे कंपनी गलत नहीं है, सारे लोग गलत नहीं है मैडम, पर 90% है झूठ बोल के काम करते हैं। एसलीपीएस वेलनेस ने कभी झूठ बोलने के संस्कार अपने लोगों को नहीं दिए। हमने कहा कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, पर सच बोलना, सच बोल के बात करना। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा,
लेकिन मुझे इतना पता सच्चाई की जीत होगी। यस यस, सच्चाई की जीत होगी और मैं सच के लिए लड़ मरूंगा। ये वो बंदा है दुनिया में किसी से नहीं डरता, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया, हमेशा अच्छा ही किया है। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे प्रोडक्ट की बात हो, चाहे मदद की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, चाहे कोविड की बात हो, या लोगों के मरने के बाद भी कह रहे ये कोई दिखावा नहीं है। लोग कहते हैं दिखावा करता है उसके भी पैसे लगते हैं, आराम करो तुम कर लो, ऐसे लगते हैं खर्च करने की हिम्मत है क्या? उसके लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए।